चली जाती है घुटने में चले उसी तरह ऑल ओवर एक बार की भी अपनी एक इमेज होती है पूरे बार को जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बार की इमेज होती है तो मेरी ये दिली इच्छा है कि ये बार जो भी जो समस्या हो उससे दूर हटके ये वन ऑफ द बेस्ट बार इन दिल्ली होनी चाहिए होगी ये मेरा मानना है लोग ऐसा कुछ नहीं यू कैन मेक इट हैपन यू कैन मेक इट वर्क खैर आज कुछ चीजें कुछ डिमांड थे आपकी काफी सारी डिमांड है रूट में बनाने का मौका भी चलता रहेगा स्वतंत्रता दिवस है हर्षोल्लास का दिवस है इसको मनाना चाहिए लेकिन फिर भी जो अभी थोड़े दिन हुए हैं मुझे आए उसमें पहली उपलब्धि तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने प्रेसिडेंट साहब की कोक्सिंग से उन्होंने पुश किया मुझे तो मैंने आपका जो रेलवे काउंटर है वो 16 तारीख को सुबह 12:30 बजे इनॉग्रेट हो जाएगा और वो चालू हो जाएगा ये आपकी पहली चीज है और बाकी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आपकी सारी की सारी रेक्टिफाई हो जाएंगी जहाँ जहाँ हमारा रोल है वो पूरी स्ट्रांगली हम ये एफर्ट करेंगे विद ऑनरेबल हाई कोर्ट विद अदर हायर अथॉरिटीज कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं जो भी प्रॉब्लम है वो एक एक करके दूर हो जाए आज जिस उपलक्ष्य में हम लोग खड़े हुए हैं ये वो झंडा है झंडा चाहे कागज का हो या कपड़े का हो उसकी जो महत्ता है जो भी उसके नीचे खड़ा हो जाता है हमारे तिरंगे के वो चाहे किसी भी प्रांत का हो राज्य का हो किसी भी वेशभूषा किसी भी कास्ट कलर के का हो वो भारतीय हो जाता है वो एक हो जाता है पांडे जी ने स्वतंत्रता का महत्व बताया देखिए जो सबसे ऊपर केसरी रंग होता है ये वैलर को दिखाता है या जोश दिखाता है कि भारत में वैलर की जोश की कोई कमी नहीं है उसके साथ में जब सेंटर में जब आते हैं तो व्हाइट कलर है वो कहता है जोश है हमारे अंदर लेकिन हम शांति से चलते हैं पीस है और जब पीस है तो हरे रंग पे आते हैं उसका मतलब है ग्रोथ प्रोग्रेस फर्टिलिटी यानी आगे और आगे और आगे और बीच में जो ये चक्र है ये धर्म का चक्र भी कहा जाता है और इसको कुछ लोग ओशन का नाम और स्काई का नाम भी देते हैं तो ये तीनों रंग और चक्र बीच में आ जाता है तो ये इस महान देश का एक प्रतीक बन जाता है जिसके हम सब नागरिक है और हमारा कर्तव्य है सबसे पहले इंडिया फर्स्ट ये जज्बा हर एक के मन में आना चाहिए कि सबसे पहले हम भारत के लिए हैं उसके बाद हमारे निजी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम बैठ के देख सकते हैं और कोई दूसरा ओकेजन होगा तो उसमें हम आपकी 1-to-1 प्रॉब्लम लेंगे लेकिन क्या होता है कि इंसान जितनी ख्वाहिशें करता है उससे डबल पैदा हो जाती है तो उसमें किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले अरमां मगर फिर भी कम निकले तो ये सिलसिला चलता रहेगा मेरे से पहले और डिस्ट्रिक्ट जजेस आए उन्होंने बहुत काम किया मैं हूँ मेरे बाद भी आएंगे ये रोहिणी यही रहेगी ये बात आपकी यही रहेगी मेरी दिली तमन्ना है कि दिस शुड बी वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट बट दी बेस्ट पार्ट इन इंडिया गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू वेरी मच मैं पावन है नौकरी
Sandeep Bansal ji, Judge M.A. Sidhi Noni, मैं लोगों का अभिनंदन करता हूँ, हमारी बात की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। सुनील शर्मा जी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आपको बधाई देता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। ऐसे ही ये पर्व हम मनाते रहे।